हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका D2S कैंपस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं दीपक चौधरी, आपका अकाउंट्स टीचर। चैप्टर हमने शुरू किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसमें बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे केसेस कवर करने जा रहे हैं हम, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक का इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, हर जगह पड़ने वाला है। तो ध्यान से इस टॉपिक को कवर करेंगे आज हम, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसमें तीन सिचुएशंस होते हैं टोटल। पहला सिचुएशन जो कवर करना है हमें वो क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट डज नॉट हैव क्लॉज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस केस में क्या होता है, मतलब क्या है इसका, कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमने ये टॉपिक पहले भी कवर किया है, याद करो फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक हमने यही कवर किया था कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्या कैसे ट्रीट करेंगे उसे। तो आप बताओ मुझे आंसर, कैसे ट्रीट करेंगे? वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर इस केस में हम नहीं देंगे। क्लियर है? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। क्लियर है कंसेप्ट? चलो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन हम जो कवर करेंगे वो क्या है, व्हेन पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इट प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, तो वो एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो होता क्या है, वो एक्सपेंसेस जिसे शो करना ही है हमें, भले ही उस एक्सपेंसेस को शो करने की वजह से फर्म लॉस में चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हमने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है बिजनेस के लिए, तो प्रीमाइसेस, रेंट ऑफ अ प्रीमाइसेस इज एक्सपेंसेस, या फिर एम्प्लॉयज को जो सैलरी दे रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मुझे देना है, मोबाइल बिल अगर देना है, तो ये सारे वो एक्सपेंसेस है जो हमें शो करने ही होते हैं भले ही फर्म लॉस में चला जाए। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो लास्ट ईयर यानी क्लास 11th में जो पार्टनरशिप डीड, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस आपने दिखाए थे, वो सारे एक्सपेंसेस क्या थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, वो एक्सपेंसेस हमें शो करने ही होते हैं। अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो याद करो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टॉपिक कवर करते समय, है ना? तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, यानी कि नेट प्रॉफिट आने के बाद अगर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रहता है हमारे पास, सारे एक्सपेंसेस शो करने के बाद भी अगर मेरे पास प्रॉफिट बच जाता है, तो उस प्रॉफिट को किस तरह से यूटिलाइज करना है, पार्टनर्स को सैलरी देना है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इन खर्चों को शो करने के लिए हम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का करते हैं। ठीक है, तो ये सारे खर्चे जब प्रॉफिट हो तभी जो खर्चे करने हैं उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर रहेगा? ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हो या ना हो, जिन एक्सपेंसेस को हमें शो करना ही है वो है हमारा क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और सिर्फ उस केस में जब बिजनेस को प्रॉफिट हो तभी वो एक्सपेंसेस हम शो करेंगे, वो एक्सपेंसेस क्या कहलाता है हमें, हमारे लिए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है कंसेप्ट? तो सिचुएशन टू क्या कहता है हमारे लिए, व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानेंगे सर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, यानी कि प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, है ना? तो इसमें तीन केसेस हैं, तीन केसेस कवर करेंगे। पहला केस क्या है, केस वन, इन केस ऑफ लॉस, अगर बिजनेस लॉस में है तो क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगर बिजनेस को लॉस हुआ है, फर्म लॉस में है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने वाले हैं। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, इस सिचुएशन को, कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनके बीच में, इक्वल, हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 3 लाख रेस्पेक्टिवली. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम. पार्टनरशिप डीड इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा. ठीक है, ठीक है. द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 30,000, लेकिन फर्म को क्या हो गया, 30,000 का लॉस हो गया ड्यूरिंग द ईयर, उस साल फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया. शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लॉसेस. अब तुम बताओ मुझे, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के रेट से गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो ऐसे केस में अभी हमने क्या देखा कि अगर ऐसे केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे. इसका मतलब बिजनेस अगर प्रॉफिट में है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और एल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड. अब इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, तो इसे ट्रीट कैसे करें, देखो इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे. क्योंकि बिजनेस लॉस में है, तो लॉस में है अगर बिजनेस, तो हम तो पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही नहीं सकते. क्या नहीं बना सकते सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो क्या बनाएंगे इस केस में, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या बनाएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है. ये हमारा फॉर्मेट है, आप लोगों को याद होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले आपको करना है लॉस को ट्रांसफर करना है. तो याद करो इस साइड में क्या ट्रांसफर करता था सर, नेट प्रॉफिट. इस साइड क्या ट्रांसफर करता था, नेट प्रॉफिट. इस साइड क्या ट्रांसफर करूंगा, लॉस. ये मेरा क्या है, बिजनेस 30,000 के किस में है, बिजनेस को 30,000 का लॉस हुआ है. तो सबसे पहले इसको ट्रांसफर करते हैं, तो टू लॉसेस, ठीक है. कितना 30,000, कितना है 30,000. अब क्या करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है नहीं मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. और किस रेशियो में सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है, इक्वल है ना, जो कि क्या है, इक्वल. तो कर देते हैं लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं, बाय लॉसेस ट्रांसफर टू ए 15,000, बी 15,000, टोटल 30,000, सेम टोटल मैंने दोनों साइड पुट कर दिया. क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है. ये तो था केस वन हमारा, जब हमारे बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है. इन केस ऑफ लॉस तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देते हैं, और उस केस में अगर फर्म क्वेश्चन दे रहा है हमें, तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जब फर्म लॉस में है. नेक्स्ट केस क्या है, केस टू, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट. इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट, क्या कह रहा है, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देता हूं, मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना. तो कहने का क्या मतलब है, प्रॉफिट हमारा या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है, मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही प्रॉफिट, ठीक है, या फिर प्रॉफिट ज्यादा है हमारे, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख है, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है, 1,20,000, 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी आप चले जाओ, ठीक है ना. तो इस कंसेप्ट को भी एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से कवर करते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 3 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल रेस्पेक्टिवली. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम. पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दिया जाएगा, 10% के रेट से. द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000, फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ है सर, 80,000 का ड्यूरिंग द ईयर. शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट. अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का किस तरह से ट्रीट करना है वो शो करेंगे. क्लियर है. अब देखो फर्म को क्या है, यहां पे बिजनेस को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, तो हम क्या बनाएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या प्रिपेयर करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है. फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर करो आप भी. ये हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है. अब क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे. प्रॉफिट कितना है मेरा, 80,000 सर. तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट मैंने ट्रांसफर कर दिया. कितना है, 80,000 सर, ठीक है.
80,000 यहां ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? हाँ सर बिल्कुल देंगे, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस केस में मैं प्रॉफिट बिल्कुल दूंगा, इस केस में मैं बिल्कुल प्रॉफिट अलाउ करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूं इस केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ठीक है। इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, क्या है, 5,00,000 रुपए ए का कैपिटल है, 3,00,000 रुपए बी का कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है सर, किस रेट से देना है, 10% के रेट से, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री क्या हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये रहा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को दे दिया मैंने 10% के रेट से, ए का 50,000 आ गया और बी का 30,000 आ गया। तो इस केस में देखो क्या समझ में आ रहा है आपको कि सर हमारा जितना प्रॉफिट है, जितना हमारा प्रॉफिट है उतना ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है। तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली दे देते और हमारे पास एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमें पार्टनर्स को देना था वो तो हमने दे दिया। क्लियर है कंसेप्ट, कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट केस पे चलते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल कवर करते हैं। इसमें A and B are partners sharing profits equally, having capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. Partnership deed provides for interest on capital at the rate 10% per annum. The firm earned a profit of rupees 1 lakh. Firm को profit कितने का है? 1 lakh का. Interest on capital कितना बनेगा? इसका सर बन जाएगा 50,000, इसका सर बन जाएगा 30,000. तो total interest on capital कितना बन रहा है? 80,000. और मेरे पास profit कितना available है? 1 lakh. तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा देंगे। क्लियर है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारे पास? इक्वल है, ठीक है। चलो करते हैं, इस केस में हम क्या बनाएंगे सर, बिजनेस को प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ये मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है ये हमारा सर? नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है बिजनेस के पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1,00,000 रुपीज, ठीक है। कितना है? 1,00,000 रुपीज। ट्रांसफर करते हैं बाय नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपीज। अब मुझे क्या करना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए को दे दिया कितना सर? 50,000। 50,000 ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 30,000। अब देखो ये टोटल ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा? 80,000। मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितने का था सर? 1,00,000 का। प्रॉफिट कितने का था? 1,00,000 का। ये मैंने टोटल कर दिया यहां पे 1,00,000, ठीक है। सेम टोटल अमाउंट इधर लिख दिया मैंने 1,00,000, ठीक है। अब जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर 20,000 का बच रहा है, ठीक है, ये मेरा क्या है? बैलेंसिंग फिगर टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी, दोनों पार्टनर को मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। ए को कितना प्रोवाइड करेंगे सर? इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों को 10,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। क्लियर है कंसेप्ट? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब केस थ्री, इन केस, केस थ्री क्या कह रहा है? इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, उस केस में क्या करेंगे? ध्यान से समझना, हमने एक टॉपिक कवर किया है व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब जो अप्रोप्रिएशन है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, उस केस में हम क्या करते थे? उस केस में अवेलेबल प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। सेम कंसेप्ट हमें इस सिचुएशन पे भी यूज करना है, इस केस पे भी यूज करना है। क्या यूज करना है? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली है क्या? इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और यहां पे मेरा प्रॉफिट कम है तो मैं क्या सोच रहा हूं कि अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो इस केस में देखो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, लेकिन कहां तक देंगे? जितना हमारा प्रॉफिट है।
इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब किस रेशियो में देंगे सर, जिस रेशियो का, जिस रेशियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को भी एक एग्जांपल के थ्रू कवर करते हैं। क्या कहता है एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 3 लाख रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। The firm earned a profit of rupees 40,000 during the year. Show the treatment of interest on capital and profit. Interest on capital को किस तरह से treat करेंगे और profit को किस तरह से treat करेंगे, इसका हमें treatment show करना है। Clear है? Now, firm को कितने का profit है? सर 40,000 का। अब ध्यान से समझो, अगर 10% के रेट से मैं इंटरेस्ट दूंगा तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा सर? 50,000। इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 50,000। और इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा बी का? सर 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना बन रहा है? 80,000। तो केस के अकॉर्डिंग एग्जांपल आ रहा है। केस क्या कह रहा था? इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन, तो प्रॉफिट कितना है? 40,000। प्रॉफिट कितना है? 40,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर? 80,000। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 80,000। तो इसके लिए क्या करेंगे सर? अगेन हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास बिजनेस में प्रॉफिट है, बिजनेस में प्रॉफिट है मेरे पास, लेकिन कम है, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही ट्रीट करेंगे। फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? 40,000, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 80,000, लेकिन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 40,000। तो इस 40,000 को मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, तो यहां देखो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर? 50,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर? 30,000। तो मुझे बताओ ये रेशियो क्या बना सर? ये रेशियो बना 5:3। क्या रेशियो बना? 5:3। तो चलो इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को कितना? 40,000 देना है मुझे। कितना देना है? 40,000। तो किस रेशियो में सर? 5:3 में दे देंगे, ठीक है ना। तो देखो 40,000 इंटू 5/8, तो ये कितना बन जाएगा? 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25, 25,000 इसे दे दिया मैंने, ठीक है। एंड 40,000 इंटू 3/8, ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना? 15,000, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में दे दिया सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। क्लियर है कंसेप्ट? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अगेन वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे आप। अब चलते हैं सिचुएशन 3 पे। सिचुएशन 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि बोल रहा है प्रॉफिट देना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मुझे, लेकिन वो इंटरेस्ट क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। यानी कि बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, ठीक है ना। अगेन सिचुएशन क्या है? व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज इंटरेस्ट टू बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। नाउ इस सिचुएशन को भी एक क्वेश्चन के तहत क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 3 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल रेस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है? 10% पर एनम के रेट से। द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000, प्रॉफिट कितना है? 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट इफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म, इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, ठीक है ना। तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जब अगर फर्म को उसकी वजह से लॉस हो जाए, तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ऐसे केस में
आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं देने जाऊं तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है 50,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है 30,000। ऐसे केस में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना है 80,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 80,000 और मेरे पास प्रॉफिट कितना है 30,000। अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं दे देता हूं, तो ऐसे केस में फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस। मैं यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं कैलकुलेशन पर्पस से, 40,000 लेट से, ठीक है। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूं तो फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। तो फर्म को लॉस हो जाएगा, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद फर्म अगर लॉस में जा रही है तो हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके अलावा ये बोल भी रहा है कि फर्म को लॉस हो जाए तभी भी हमें देना है, तो मैं क्या प्रिपेयर कर लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, ये फॉर्मेट हमने प्रिपेयर कर लिया किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या ट्रांसफर करूंगा, सब प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, by profit before interest on capital, interest on capital से पहले का profit कितना है 40,000, कितना है profit 40,000। अब मैं क्या करूं, sir interest on capital दे दो partners को, ठीक है। तो ये रहा मेरा interest on capital, ठीक है, लिखा मैंने interest on capital, और A को दे दिया 50,000 interest on capital and B का interest on capital आ गया 30,000, ठीक है। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया मेरा सर 80,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 80,000। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां पे, ठीक है। अब मैं क्या करूं सर, फर्म का एक्सपेंसेस ज्यादा है प्रॉफिट से, तो फर्म को क्या हो गया लॉस, तो इस लॉस को मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर्स के बीच में, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी, दोनों पार्टनर्स को ये लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर, इक्वल रेशियो में, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म का क्या है इक्वल है। क्लियर है कंसेप्ट, कोई डाउट है इसमें। अब ये फॉर्म को प्रॉफिट था 40,000 और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 80,000, इसकी वजह से फॉर्म को लॉस हो गया, फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही था क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा था कि इवन इट इन्वॉल्व फॉर्म इन लॉस। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। चलते हैं इसी के एक और कंसेप्ट पे, एक और एग्जांपल के थ्रू इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है फर्म के बीच में इक्वली, ए और बी के बीच में, हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 3 लाख रेस्पेक्टिवली, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 30,000, फर्म को क्या हो गया सर लॉस हो गया, कितने का 30,000 का, ड्यूरिंग द ईयर, शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लॉसेस। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस करता हूं, इवन इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वॉल्व्स फॉर्म इन लॉस, इन्वॉल्व्स फॉर्म इन लॉस, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, इस केस में भी हम फॉर्म चूंकि ऑलरेडी लॉस में है तो मुझे क्या बनाना है यहां पे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर करो, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ट्रांसफर करूंगा लॉस को टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का लॉस जो कि कितना था हमारे पास सर 30,000, लॉस कितना था हमारे पास 30,000, तो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया लॉस 30,000। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हाँ सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो लिखा मैंने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं मैं पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 50,000 एंड बी का कितना था 30,000, बी का कैपिटल इंटरेस्ट कितना था 30,000, तो इसकी वजह से ये टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में मेरे आ गया 80,000। अब मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड को टोटल कर दूंगा जो कि आया मेरा कितना 1,10,000, ठीक है। अब सेम अमाउंट मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया, अब क्रेडिट साइड में कोई आइटम नहीं है तो ये टोटल लॉस मैं पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर दूंगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके बीच में सर, ए एंड बी के बीच में, ठीक है। टोटल लॉस कितना हुआ फॉर्म को 1,10,000, तो इक्वली शेयर करेंगे दोनों पार्टनर, अमाउंट आ गया 55,000 एंड 55,000। क्लियर है, कोई कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट में कोई डाउट है नहीं है। चलो अगेन
वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो फटाफट से आप लोग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है पहले कवर करते हैं। क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान से याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस पे देंगे, और इसके साथ ही अगर पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो जितने पीरियड के लिए वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में रखा है उस पीरियड के लिए उस अमाउंट पे हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। और अगर बिजनेस में से कोई भी पार्टनर परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, तो जब उसने कैपिटल विड्रॉ कर लिया तब तक का, उस डेट तक का ही इंटरेस्ट हम देंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कंसेप्ट, क्या कह रहा है नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, बट इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फॉर द पीरियड इट हैज रिमेन्ड इन द बिजनेस, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे देंगे, ओपनिंग कैपिटल पे, किस पे देंगे, ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा। और वो ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। मान लो दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, दो पार्टनर्स है। अगर बिजनेस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, लेट्स से ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ड्रॉइंग्स है, एडिशनल कैपिटल है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ लॉस है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, देखो हम एड कर देंगे ड्रॉइंग्स को और शेयर ऑफ लॉस को, शेयर ऑफ लॉसेस को। ध्यान से समझना, ओपनिंग कैपिटल में से हम ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं, शेयर ऑफ लॉस माइनस करते हैं, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आता है। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए मुझे उसको एड बैक करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को एड बैक किया और शेयर ऑफ लॉसेस को एड बैक किया, ये दोनों पार्टनर में डाल दिया मैंने, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो। और इसको मैं शेयर ऑफ लॉस को इफ एनी लिख देता हूं, है ना, शेयर ऑफ लॉसेस को इफ एनी, शेयर ऑफ प्रॉफिट को इफ एनी, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही अपीयर करेगा, क्लियर है। नाउ एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में जब हम एडिशनल कैपिटल को एड करते हैं तब जाके मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिलता है, तब जाकर मुझे क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो इसलिए क्लोजिंग कैपिटल में से फाइंड आउट करना है अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल, तो मैं क्या करूंगा, एडिशनल कैपिटल को एड लेस कर दूंगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी लेस कर दूंगा, तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा सर, तब जाके हमें मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल, और मैं इस ओपनिंग कैपिटल पे, मैं इस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगा। क्लियर है कंसेप्ट, कोई डाउट है इस पे, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट जो भी अभी मैंने करवाए हैं, ये सारे कंसेप्ट, ये और इसके बाद ये सारे कंसेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स करवाए हैं, ये सारे आपको नोट करने हैं अपने रजिस्टर में फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आप नोट नहीं करोगे तो बाद में जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे या रिविजन करने बैठोगे तो उस समय कैसे, कहां से रिवाइज करोगे, वीडियो तो आपके पास अवेलेबल है नो डाउट, ठीक है, लेकिन बार बार वीडियो देखना इट्स नॉट गुड, राइट। तो कभी भी बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आपने फटाफट से रजिस्टर ओपन किया, फटाफट से रिवाइज कर लिया क्वेश्चन को, क्लियर है। चलो अब क्या करना है मुझे सर, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे बेस्ड, इन कंसेप्ट पे बेस्ड क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस हम असाइनमेंट 1.3 से कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि D2S कैंपस के एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हो तो वहां पे आप लोगों के पास सारे असाइनमेंट्स अवेलेबल है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हीं असाइनमेंट में से मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रहा होता हूं। हालांकि यहां पे आपके पास क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब वो सारे जो असाइनमेंट्स हैं वहां पे वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी रख सकते हो अपने पास, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में भी नोट कर सकते हो, बट पीडीएफ फॉर्मेट का प्रिंट आउट विल बी मोर फिजिबल फॉर यू गाइस, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं।
नाउ क्वेश्चन असाइनमेंट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज ऑफ ₹50,000 एंड ₹40,000 ठीक है ऑन 1 अप्रैल 2015 को इनका कैपिटल ए का है 50,000 और बी का है 40,000. ऑन 1 जुलाई 2015 ए इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एज एडिशनल कैपिटल वेर एज बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ₹1,000. 1 जुलाई 2015 को ए ने कितना इंट्रोड्यूस किया सर 10,000 एज एन एडिशनल कैपिटल और बी ने कितना इंट्रोड्यूस किया सर 1,000. If the interest on capital is allowed to the partners at the rate 10% per annum, calculate interest on capital if the financial year closes on 31st March. ध्यान से समझना, ये मेरा financial year है. Financial year जो कि शुरू कब हो रहा है? Sir, 1 April 2015 को और close कब हो रहा है? 31st March 2016 को. Clear है? अब यहाँ पे पार्टनर ए का कैपिटल कितना है 50,000. पार्टनर ए का कैपिटल कितना है 50,000 और 1 जुलाई यहां यानी कि यहां पे यानी 1 जुलाई 2015 को ए जो और एडिशनल कैपिटल कितना लगा रहा है इंट्रोड्यूस कर रहा है ₹10,000. ये जैसे ही 10,000 इंट्रोड्यूस किया इसका कैपिटल कितना हो जाएगा 60,000. ठीक है कितना हो जाएगा 60,000. तो दो तरीके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दे रहे हैं हम 10% के रेट से. ध्यान से समझना ये 50,000 तो इसका पूरे साल रहेगा पूरे साल के लिए रहेगा. तो मैं क्या करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. चलो क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने गए हम तो किस तरीके से ए का निकाल रहे हैं ए का कैलकुलेट कर रहे हैं. ध्यान से समझना ये 50,000 तो पूरे साल रहेगा तो मैं क्या करूंगा ए के 50,000 पे किस रेट से इंटरेस्ट सर 10% के रेट से 10% के रेट से इंटरेस्ट मेरा पूरे साल जाएगा है ना. तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा सर 5,000 हो गया. ठीक है अब इसने फिर इंट्रोड्यूस किया कितना सर 10,000. अब ये 10,000 पे इंटरेस्ट में कितने साल कितने महीने के लिए दूंगा सर इस पे सिर्फ 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा. ठीक है तो 10,000 पे किस रेट से 10% के रेट से कितने दिनों के लिए 9 मंथ्स के लिए. ठीक है इंटरेस्ट कितने दिनों के लिए देंगे 9 मंथ्स के लिए. तो ये मेरा इंटरेस्ट आ गया 750. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 5750. क्लियर है कंसेप्ट कोई डाउट है. अब मैं बी की बात करूं तो बी का कैपिटल कितना था सर बी का कैपिटल यहां था 40,000. कितना था 40,000 और इसने कब इन्वेस्ट किया सर 1 जुलाई को अगेन इन्वेस्ट किया. तो इसको भी 40,000 पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा. तो बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का 40,000 पे 10% पूरे साल के लिए तो मंथ्स का तो कोई इसमें रोल नहीं है. तो ये आ गया मेरा 4,000. उसके बाद उसने कितना इन्वेस्ट किया सर 1,000 इन्वेस्ट किया. कब इन्वेस्ट किया सर 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया. तो अगेन 1,000 पे इसे कब से कब तक सर 1 जुलाई से 31st मार्च तक को कितने महीने सर 9 मंथ्स. ठीक है तो 1 जुलाई से 31st मार्च तक 1,000 पे 10% के रेट से 9 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट देंगे. तो 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट देंगे तो ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 75 रुपीज. ठीक है तो ये मेरा टोटल आ गया 4075. क्लियर है कंसेप्ट. इस तरह से मैंने आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करके दिखाया है. वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे सॉल्यूशन को. ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 6. एक्स एंड वाई कॉन्ट्रीब्यूट ₹20,000 एंड ₹10,000 रेस्पेक्टिवली. दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है 6% पर एनम के रेट से. देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:3 एंड द बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज ₹1,500. इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट बिजनेस को कितना है सर 1500. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दे दिया है. ठीक है आपको बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से कैलकुलेट करना है सर 6% के रेट से.
अब जो पॉइंट है कि अब ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना फाइंड आउट, कितना कैलकुलेट हो रहा है, 20,000 पे 6% के रेट से, तो ये आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200, और 10,000 पे 6% के रेट से y को मुझे देना होगा 600, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया सर, 1800 रुपीज। अब बताओ मुझे प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है सर, 1500 ओनली। तो कौन सा केस बन रहा है सर, ये केस बन रहा है कौन सा, कौन सा आप बताओ ना। हाँ सर, मैं हम ही सोच रहे हैं, ये केस बन रहा है जब हमारे पास प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस केस में हमने अभी अभी क्या सीखा है सर, इस केस में हमने सीखा है कि जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मेट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। यहां पे क्या बोला है, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब फॉर्म को प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और इसमें फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और प्रिपेयर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले फटाफट से प्रिपेयर करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। चलो, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब सबसे पहले क्या करूंगा, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ये मेरा है क्या सर, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट हमारे पास सर 1500। अब चूंकि ये मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो मैं क्या करूंगा सर, अच्छा ये रेशियो क्या बन रहा है सर, ये रेशियो बन रहा है 2:1। क्या बन रहा है ये, 2:1। क्यों रेशियो क्यों निकाला हमने, ये रेशियो इसलिए निकाला क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे अवेलेबल प्रॉफिट को जो कि मेरा कितना है सर 1500, अवेलेबल प्रॉफिट को मुझे इस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर हमारे पास सर, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स एंड वाई का, x एंड y कितना है हमारे पास, अवेलेबल प्रॉफिट 1500। इसको 1500 को किस रेशियो में सर, 2:1 में, तो 2/3 यानी कि 1000 रुपीज x को दे देंगे, और 1500 का 1/3 हम y को दे देंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, क्योंकि मेरा अवेलेबल प्रॉफिट कम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। क्लियर है कंसेप्ट, फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, कंसेप्ट्स को ध्यान से समझते रहना, समझते हुए चलना है। अब यहां पे हमारे पास एक और केस है, केस बी। केस बी क्या कह रहा है, वेर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स अ फॉर्म इन लॉस। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, भले ही फॉर्म लॉस में चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि पार्टनरशिप डीड में यह क्लियरली बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म को देना पड़ेगा, भले ही फॉर्म किस में चला जाए, लॉस में चला जाए। तो ऐसे केस में मुझे क्या देखना है सर, हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना है बिजनेस को। तो प्रॉफिट तो बिजनेस को कितना है 1500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है सर 1800। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे तो फॉर्म किस में चली जाएगी सर, 300 रुपए के नुकसान में चली जाएगी, कितने के 300 के लॉस में चली जाएगी। और अगर हम ये दे देते हैं, ये एक्सपेंसेस कर देते हैं, फॉर्म लॉस में चला जाता है, तो लॉस में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना नहीं सकते हैं। क्या नहीं बना सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा सर, हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये मैंने प्रिपेयर कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। सर आप एक बात बताओ, हर बार ही फॉर्मेट क्यों बनाते हो आप, नॉर्मली लाइनें खींच कर तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो। बना सकता हूं, लेकिन आपको भी आदत पड़ जाए प्रॉपर स्केल और पेंसिल यूज करके फॉर्मेट प्रॉपर बनाते हुए, अभी से आपको हैबिट डालना है। याद रखना, अगर अभी से हैबिट डालोगे, हैबिट रखोगे अपना, तो पेपर के टाइम में, बोर्ड के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज को हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है।
अभी से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप नॉर्मली क्वेश्चंस को लिख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तब भी आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है हर चीज का, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे आपका पार्टनर्स कैपिटल हो, बैलेंस शीट हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, कुछ भी जिसका भी फॉर्मेट बनाना है वो आपको प्रॉपर पेंसिल और स्केल यूज करके बनाना है, ताकि बोर्ड के वक्त आपको पता रहे कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है। आप अभी से टाइम कैलकुलेट करके चलने वाले हो, तभी तो आपको 95% प्लस का स्कोर का मैं टारगेट देके चल रहा हूं आपको स्टार्टिंग से ही। आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि आपको स्कोर करना है 95% प्लस, और उन चीजों के लिए उस नंबर को स्कोर करने के लिए आपको ये सारी हैबिट्स अभी से डाल के रखने पड़ेंगे। और भी कई चीजों को इन्वेंट करना है आपको, कई चीजों को ध्यान में रखना है, उसका मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, आराम से बताता चलूंगा। लेकिन अभी इस एक एक चीज को अपने हैबिट में डालो। 11th में आपने क्या किया मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 12th में स्टार्टिंग है, ये 12th का स्टार्टिंग है, अभी से ही आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है कि फॉर्मेट जो भी होगा वो पेंसिल और स्केल यूज करते हुए बनाना है, ठीक है। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, फॉर द ईयर एंडेड, यहां पे डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने डॉट डाल दिया, क्लियर है। तो अब क्या करूं सर, सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट मेरा कितना था सर, 1500, तो मैंने लिखा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया सर, 1500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को देना है मुझे 1200 और वाई को देना है 600, तो ये मैंने पुट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 1200 एंड वाई का 600, तो टोटल आउटर कॉलम में डाल दिया मैंने 1800। अब इस 1800 की वजह से मेरा डेबिट कॉलम बड़ा हो गया है, 1800 मैंने इस साइड टोटल किया, सेम टोटल अमाउंट मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया 1800, और फर्म का बैलेंसिंग फिगर लॉस में जा रहा है, तो इस लॉस को बाय लॉस क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू किसे, एक्स एंड वाई को, किस रेशियो में, यहां पे ध्यान से समझना है आपने, इसको हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलो फटाफट से, जो कि कितना है 2:3, फटाफट से ट्रांसफर करते हैं, कितने का लॉस हो गया हमें, 300 का लॉस हो गया, तो 300 का 2/5 शेयर और 300 का 3/5 शेयर किसे दे देंगे, एक्स एंड वाई को, एक्स एंड वाई को, कितना आ जाएगा ये 120 एंड 180, क्लियर है कंसेप्ट। अब वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो आप फटाफट से अपने रजिस्टर में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असाइनमेंट 1.3 का, असाइनमेंट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कवर करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2015, ध्यान से समझना, बैलेंस शीट कब का गिवन है, 31st मार्च 2015 का, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या कह रहा है कि फर्म के पास लॉन्ग का कैपिटल है 1,60,000, शॉर्ट का कैपिटल है 1,40,000, लॉन्ग का कैपिटल कितना है 1,60,000 एंड शॉर्ट का कैपिटल है 1,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ध्यान से समझना, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस गिवन है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है अभी बताता हूं, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। फिक्स्ड एसेट फर्म के पास है 3 लाख का, एक और चीज गिवन है, इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये ड्रॉइंग्स, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, और ये 40,000 लॉन्ग का ड्रॉइंग्स क्यों गिवन है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है ये ड्रॉइंग्स, 40,000, अदर एसेट 60,000। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग्स ड्रॉइंग्स वर रुपीज 40,000 एंड शॉर्ट्स ड्रॉइंग्स वर रुपीज 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ईयर वॉज रुपीज 1,50,000। प्रॉफिट फॉर्म का कितना है 1,50,000, क्लियर है ना। अब इस 1,50,000 में से 1 लाख तो प्रॉफिट बैलेंस शीट में ही अपीयर कर रहा है, प्रॉफिट फॉर्म को हुआ है 1,50,000 का, बट इस 1,50,000 में से प्रॉफिट का 1 लाख रुपीज बैलेंस शीट में ही अपीयर कर रहा है। दैट मीन्स
अगर मैं यहां से 1 लाख माइनस कर दूं तो मेरा कितना बच रहा है, ये 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 50,000 रुपीज को ही फर्म ने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है और 1 लाख रुपीज को फर्म ने रिटेन कर लिया है, अपने पास ही रख लिया है। क्लियर है? सिर्फ 50,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। नाउ अदर इंफॉर्मेशन क्या था, लॉन्ग का ड्रॉइंग है 40,000 और शॉर्ट का ड्रॉइंग है 50,000, लेकिन लॉन्ग का ड्रॉइंग बैलेंस शीट में भी अपीयर कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग का ड्रॉइंग जो 40,000 मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है उससे वो अगर बैलेंस शीट में अभी भी अपीयर कर रहा है, दैट मीन्स इसे पार्टनर्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब कैपिटल में से इस ड्रॉइंग को माइनस नहीं किया गया है अभी, लेकिन शॉर्ट ने जो विड्रॉ किया है अमाउंट 50,000 उसका कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास बैलेंस शीट में नहीं है। इसका मतलब ये 50,000 इसके कैपिटल में से जो ओपनिंग कैपिटल रहा होगा उसमें से ये 50,000 माइनस कर दिया गया है। क्लियर है कंसेप्ट? अब मुझे क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। ओपनिंग कैपिटल क्योंकि ये तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कौन सा कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल, और मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो इस इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और इसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, ये रहा हमारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने लिखा लॉन्ग, दो पार्टनर्स है मेरे पास, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, ये दो पार्टनर, इनका क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में, और क्लोजिंग कैपिटल कितना है सर, क्लोजिंग कैपिटल लॉन्ग का है 1,60,000 एंड शॉर्ट का है 1,40,000। ठीक है, आप प्रिंट आउट क्वेश्चन पेपर का निकाल के रख लोगे अपने सामने, इजी पड़ेगा उससे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एड करना है, एड बैक करना है ड्रॉइंग्स को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में भी समझाया था कंसेप्ट। ठीक है, ड्रॉइंग्स, अब लॉन्ग का ड्रॉइंग तो आएगा नहीं क्योंकि वो एडजस्ट किया नहीं गया है, शॉर्ट का ड्रॉइंग ऐड कर देंगे 50,000। ठीक है, इसके बाद लेस करेंगे क्या सर, लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में क्या था, इक्वल था। ठीक है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब प्रॉफिट कितना था सर, टोटल 1,50,000, टोटल तो 1,50,000 था, लेकिन उसमें से अभी भी बैलेंस शीट में कितना अपीयर कर रहा है, 1 लाख। इसका मतलब पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कितना किया होगा सर, 50,000। तो उस 50,000 को जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, जो कि एडजस्ट किया जा चुका है, जिसकी वजह से मेरा ओपनिंग कैपिटल इंक्रीज हो गया होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल आया। अब क्लोजिंग कैपिटल से मुझे ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देते हैं 50,000 का इक्वली, ठीक है, 25,000। क्लियर है, तो इसे हमने कर दिया माइनस। और कुछ आइटम है, नहीं है सर, तो ये मेरा आ गया कितना, 1,35,000, और ये आ गया मेरा 1,65,000। क्लियर है, ये क्या आ गया मेरा सर, ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गया, ये ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल में मुझे क्या देना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन पे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दो पार्टनर कौन कौन, एक्स एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो लॉन्ग का कैपिटल है मेरा कितना सर, लॉन्ग का कैपिटल आया हमारा 1,35,000। तो लॉन्ग के कैपिटल पे 1,35,000 पे किस रेट से इंटरेस्ट देना है हमें सर, इंटरेस्ट देना है 8% के रेट से, तो 8/100। ठीक है, ये आ गया मेरा 10,800। और शॉर्ट का कैपिटल कितना आया है मेरा, शॉर्ट का कैपिटल आया है 1,65,000, और इसे भी मुझे इंटरेस्ट देना है 8% के रेट से, जो कि मेरा कितना आ गया, 13,200। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस क्वेश्चन में हमने क्या कंसेप्ट सीखा, इस क्वेश्चन में सीखा कि अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा उस क्लोजिंग कैपिटल और एडिशनल इंफॉर्मेशन से। और क्या सीखा, ये सीखा हमने कि अगर बैलेंस शीट के अंदर, मतलब विद इन द बैलेंस शीट, अगर किसी पार्टनर का ड्रॉइंग्स गिवन है, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस नहीं किया गया है, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते वक्त हम ड्रॉइंग्स को एड बैक नहीं करेंगे।
क्लियर है कंसेप्ट? दूसरा कंसेप्ट क्या था इसमें, दूसरा पॉइंट क्या सीखा, आउटर कॉलम में या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी प्रॉफिट गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में 150,000 प्रॉफिट था, और अगर उसके अलावा इनर कॉलम में यानी कि विद इन द बैलेंस शीट भी अगर प्रॉफिट का कुछ अमाउंट गिवन है, इसका मतलब जितना अमाउंट बैलेंस शीट में है वो अमाउंट एडजस्ट नहीं किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है अमंग द पार्टनर। इसका मतलब जो अमाउंट आउटर कॉलम में है यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, उसमें से हम क्या करेंगे, जो फिगर बैलेंस शीट में है उसे माइनस कर देंगे, तो हमें कौन सा फिगर मिलेगा, वो अमाउंट मिलेगा जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा उसी अमाउंट को हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते वक्त माइनस करेंगे। क्या करते वक्त? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते वक्त माइनस करेंगे। कोई डाउट है? कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करके इस कंसेप्ट को भी, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असाइनमेंट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2013 विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड ₹1,80,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1st मे एक्स इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹60,000। 1st मे को एक्स ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल कितना, 60,000, एंड वाई विड्रू ₹30,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, और वाई ने विड्रॉ किया कितना, 30,000 अपने कैपिटल में से। ऑन 1st अक्टूबर एक्स विड्रू ₹1,20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। एक्स ने क्या किया, अपने कैपिटल में से विड्रॉ किया अमाउंट कितना, 1,20,000, ठीक है। एंड वाई इंट्रोड्यूस ₹1,50,000, और वाई ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कितना, 1,50,000, कितना इंट्रोड्यूस किया, 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, कब का, 31st मार्च 2014 तक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या कहता है, एक्स की बात करते हैं हम, फिलहाल किसकी बात करते हैं, एक्स की बात करते हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स बुक्स शुरू कब हो रहा है, 1st अप्रैल 2013 को। बुक्स क्लोज कब हो रहा है, 31st मार्च 2014 को। अब समझना, एक्स का कैपिटल 1st अप्रैल 2013 को कितना था, सर 3 लाख, कितना था सर, 3 लाख रुपीज कैपिटल था, तो ये लिख लिया मैंने 3 लाख रुपीज, ठीक है। इसके कैपिटल में पहला चेंज कब आया, सर इसके कैपिटल में पहला चेंज आया 1st मई को, तो ध्यान से समझना, अप्रैल एक महीने बाद ही, यानी कि 1st मई 2013 को कैपिटल में क्या चेंज आया, सर इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 60,000, तो मैं एक काम कर देता हूं, प्लस 60,000 लिख लिया मैंने यहां पे, ठीक है। जैसे ही 3 लाख में 60,000 ऐड हुआ तो इसका कैपिटल कितना हो गया, सर 3,60,000, कितना कैपिटल हो गया इसका, 3,60,000, ठीक है। कितने महीने के अंदर चेंज हो गया, सर 1 मंथ के अंदर ही इसका कैपिटल चेंज हो गया, मतलब 3 लाख पे अगर मैं इंटरेस्ट देने जाऊं तो मैं 1 मंथ का दे सकता हूं, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चेंज कब आया, 1st अक्टूबर को एक्स ने विड्रॉ किया कितना, 1,20,000, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 1st अक्टूबर 2013। क्या किया इसने, विड्रॉ किया, तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो मैंने माइनस कर दिया कितना, 1,20,000, ठीक है ना। इसका कैपिटल कितना था, 3,60,000, कैपिटल कितना था इसका, 3,60,000, 3,60,000 में से अगर 120 माइनस हो गया तो बचा कितना इसके पास, 2,40,000, कितना बच गया इसके पास, 2,40,000। अब और कोई चेंजेस है, नहीं, मेरा बुक्स क्लोज हो रहा है 31st मार्च 2014 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं किसका, किस रेट से, 6% के रेट से एक्स का कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किसका कैलकुलेट करते हैं, एक्स का। तो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर एक्स का कैलकुलेट कर रहे हैं। बताओ मुझे, इस 3 लाख पे कितने महीने के लिए इंटरेस्ट दो, सर 1 मंथ के लिए ही इंटरेस्ट दो, क्योंकि सिर्फ 1 लाख रुपीज, 1 मंथ के लिए 3 लाख रुपीज इसका बिजनेस में रहा है। तो देखो, 3 लाख पे 6% के रेट से 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये अमाउंट आ गया इसका 1,500, ठीक है। अब 1st मई को इसका कैपिटल कितना हो गया, जैसे ही 60,000 ऐड किया इसका कैपिटल हो गया 3,60,000। 1st मई से लेकर 1st अक्टूबर तक,
फर्स्ट मई से लेकर फर्स्ट अक्टूबर तक कितने महीने? सर 5 months, क्योंकि यहां पे नेक्स्ट चेंज आ रहा है। तो नेक्स्ट चेंज कब आ रहा है? 5 महीने के बाद। इसका मतलब इस पीरियड के लिए, इस पीरियड के लिए फॉर्म में एक्स का कैपिटल कितना रुपया रहा? 3,60,000। तो 3,60,000 फॉर्म में रहा इसका 5 महीने के लिए। तो मैं इसे 6% के रेट से 5 महीने के लिए इंटरेस्ट दे दूंगा, जो कि कितना आया मेरे पास? 9,000 रुपीज। ठीक है, अब 1 अक्टूबर को इसका, इसने क्या किया? अमाउंट विड्रॉ कर लिया। अमाउंट विड्रॉ करते इसका कैपिटल कितना हो गया? 2,40,000। अब ये 2,40,000 ईयर एंड तक चेंज नहीं हो रहा है, तो ईयर एंड तक चेंज नहीं हो रहा है तो कितने महीने के लिए? 6 months के लिए चेंज नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 2,40,000 पे 6 महीने के लिए इंटरेस्ट दे दिया इसे। 2,40,000 पे 6% के रेट से 6 महीने के लिए इंटरेस्ट दे दिया। तो ये अमाउंट आया कितना? 7,200। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका बन गया 17,700। कोई डाउट है? कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से अब सेम आप एक बार खुद चार्ट बनाकर ट्राई करो कि Y का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करो। इसी तरह से एक चार्ट बनाओ, Y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके खुद से एक बार ट्राई करो। उसके बाद सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं आपको। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से इसका सॉल्यूशन ट्राई करो। क्लियर है? Wise interest on capital, आशा करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। थोड़ा सा देखते हैं, टैली करो आप लोग अपने आंसर्स को। तो Y का जो कैपिटल है, चार्ट कुछ इस तरह से बनाना था आप लोगों ने। 1 अप्रैल को बुक्स शुरू होता है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होता है। ठीक है, पहला चेंजेस जो आया 1 मई को आया। 1 मई को क्या किया इस पार्टनर ने विड्रॉ किया 30,000, और फिर 1 अक्टूबर को इसने वाई ने 1,50,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब जो 1,80,000 जो इसका ओपनिंग कैपिटल था, ये कितने महीने तक रहा? फर्स्ट चेंज होने तक, यानी कि में तक 1 महीने के लिए ये रहा अमाउंट। ठीक है, तो 1,80,000 पे हम इसे इंटरेस्ट देंगे 6% के रेट से कितने दिनों के लिए? सर 1 मंथ के लिए, जो कि मेरा आ जाएगा कितना? 900 रुपीज। ठीक है, इसके बाद अब इसका कैपिटल चेंज हुआ कब? 1 मई को। क्या हुआ सर? 30,000 माइनस हुआ। माइनस होने के बाद 1,30,000 विड्रॉ किया इसने, तो 1,50,000 इसका कैपिटल हुआ। ये चेंज कब हुआ? 1 अक्टूबर को। यानी कि 1,50,000 यहां से चलकर इस पीरियड तक रहा, यानी कि 5 months तक 1,50,000 इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है ना। तो 1,50,000 पे 5 months के लिए हम इसे इंटरेस्ट देंगे, है कि नहीं? किस रेट से? 6% के रेट से। ये रहा मेरा 5 months के लिए इंटरेस्ट, कितना आया? 3,750। क्लियर है? कैलकुलेट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मुझे बताओ, अब यहां पे इस डेट को चेंज हुआ, इस डेट को क्या चेंज हुआ? सर इसने कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया 1,50,000। 1,50,000 जैसे ही इंट्रोड्यूस किया, इसका कैपिटल क्या हो गया? 3 लाख। ये 3 लाख रुपीज इसका चलता गया और एंड तक रहा। तो 3 लाख रुपीज पे हम इंटरेस्ट कितने दिनों के लिए देंगे? 6 months के लिए। कोई डाउट है? ठीक है, तो अब 3 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया मैंने 6% के रेट से कितने दिनों के लिए? सर 6 months के लिए, जो कि मेरा कितना अमाउंट आया? सर 9,000 रुपीज आ गया। तो टोटल अमाउंट मेरा कितना बन रहा है? 13,650 इज माई टोटल इंटरेस्ट फॉर वाई। क्लियर है? कोशिश करो इसको अच्छे से अपने आप से ही करने का। जब भी मैं आपको बोलता हूं प्रैक्टिस करने के लिए या फिर खुद से ट्राई करने के लिए, ट्राई किया करो खुद से ट्राई करने का क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप। ठीक है, ये तो थी आज की क्लास। आज हमने क्या सीखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट सीखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ नोट्स देखे हमने, और अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? आज का होमवर्क। ठीक है, होमवर्क सर, होमवर्क तो मत दो, ना ना ना, इतना मेहनत करवाया आपने, आपको भी कुछ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको होमवर्क चाहिए होगा, और आज का होमवर्क है असाइनमेंट 1.3। याद होगा मैंने बताया था असाइनमेंट 1.3 का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स असाइनमेंट अवेलेबल है D2S कैंपस के एप्लीकेशन पे। ठीक है, जाइए वहां से उस पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इन क्वेश्चन को, आज का जो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। इस होमवर्क का वीडियो नेक्स्ट क्लास में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले
प्रॉमिस मी इन क्वेश्चंस को आप खुद अटेम्प्ट करोगे, आज ही अटेम्प्ट करोगे, आज ही अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो, अगर प्रिंट आउट निकालने का प्रोविजन नहीं है आपके पास, अपने फोन से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो। क्लियर है कंसेप्ट? कोई डाउट है? चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। D2S कैंपस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें अपने एंड्रॉइड फोन पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, जहां रहिए जिंदाबाद रहिए। जय हिंद।